हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने सुबह से। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं अभी? अभी बज रहे हैं करीबन 8 बज रहे हैं। तो 8 बज रहे हैं अभी। तो सुबह का काम हो चुका है मेरा, मतलब थोड़ा बहुत बाकी है, वो अभी फटाफट से कर लूँगी। तो मैंने सोचा कल ब्लॉग नहीं है डाला है, तो आज ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ खास, तो सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना, तो आप लोग प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। पता है बहुत दिन से मेरे एक भी सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों। इससे अच्छा तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। पता नहीं कब मेरा चैनल ग्रो होगा। मैं सोचती हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पता नहीं। ऐसा करते करते मुझे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 2.5 साल हो गया मुझे वीडियो डालते डालते, 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, और गेहूं के आटे में थोड़ा सा मैंने बेसन डाल दिया है, और ये सुबह का आटा रखा हुआ था। फिर ख़राब होता है आटा, फेंकना अच्छी बात नहीं होती है, कोई भी खाने की चीज़ फेंकना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए मैंने वो भी ले लिया। मैंने इसी में मिक्स, मैंने कहा इसी में मिक्स कर लेंगे हम। तो हम सूजी भी ले लेते हैं। मैंने सोचा सूजी घर पे नहीं है, लेकिन मुझे मिल गई तो मैंने सूजी भी ले ली है। थोड़ी सी सूजी डाल देंगे इसमें, उसको भी छान लेंगे। मैंने सोचा कुछ कीड़ा वीड़ा पड़ जाते हैं ना जल्दी सूजी में घर पे रख के, तो छान लेती हूँ। और उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर दिया है, और उसके बाद अच्छे से हम इसको इस तरीके से मिक्स करते हैं, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और अब हमको आटा गूंदना है, वो भी कैसा पता आप लोगों को? एकदम टाइट, जैसे कि पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरीके से हमें इसका आटा लगा लेना है। तो फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा आटा इसका रेडी होता है। तो देख लीजिए, इस तरीके का हमने आटा लगा लिया है। और दाल को हमने पहले से अच्छे से धो के भिगो के रखती है, क्योंकि मुझे दाल और बाटी बनाना है। तो जब भी आप दाल बनाएं ना, तो दाल को पहले से भिगो के रखते हैं, तो क्या होता है कि इससे जल्दी दाल पक जाती है, बहुत जल्दी, टाइम नहीं लगता। तो मैंने दाल को भिगो के रख दिया है। और ये देख लीजिए, छोटी छोटी लोइयाँ बनानी, इस तरीके से बाटी जैसा बनाते हैं ना, सिर्फ थोड़ा छोटा बनाना है। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं नहीं बनाती हूँ डेली डेली, कभी कभी मतलब साल 6 महीने में एक बार बनाती हूँ। तो इस तरीके से हम इसमें हॉल कर देंगे। और पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इन बाटियों को मैं बाफला बनाते ना, बाफला बाटी, बस वही बाफला बाटी बना रही हूँ मैं। तो पानी हमारा अच्छे से उबल रहा था, तो उसमें हम इस तरीके से बाटी बना बना के गोल गोल अच्छे से, और हम पानी में डाल देंगे उबलने के लिए, और जिससे कि अच्छे से अंदर से भी पक जाती है। वरना हम डायरेक्ट ओवन में, मतलब डायरेक्ट जो तंदूर होता है ना हमारा, उसमें डालते हैं ना, तो अच्छे से अंदर से नहीं पक पाती है। जिस तरीके से ये घर में जो कंडों की आग होती है ना, उस पर सिक जाती है ना, वैसे तंदूर में नहीं सिक पाती है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा उबाल लूँगी 10 मिनट तक, फिर उसके बाद हम इसको तंदूर में अच्छे से पकाएँगे। तो अंदर से भी अच्छी पक जाएगी, बाहर से भी अच्छी पक जाएगी। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और आप लोगों के साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पता आप लोगों को, मैं सोचती हूँ कि मैं मेरा एक घर, जितने भी मेरे यूट्यूबर मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं ना, एक रिद्धि सिद्धि इंडियन ब्लॉगर है, और एक सुहाना शुक्ला की तो मतलब लाइफ बहुत उथल पुथल हो गई है उनकी। तो रिद्धि सिद्धि इंडियन ब्लॉगर हैं, उनका चैनल उन्होंने, मतलब बहुत पहले वो मेरी फ्रेंड्स बनी थी, लेकिन अचानक ही उनका चैनल ग्रो कर गया, ठीक है। अचानक ही उनका चैनल ग्रो कर गया, उन्होंने घर भी खरीद लिया, बनवा भी लिया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत, ऐसी बात नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ, या फिर ये ऐसा नहीं है कि जो सक्सेस हो गए सिर्फ वही मेहनत करती, जो सक्सेस नहीं हो गए वो मेहनत नहीं करते। पता, जो आगे बढ़ चुके हैं ना, तो उनको ये देख लीजिए इस तरीके से बन रही है। तो फटाफट मैं सारी बाटियों को बना के इसमें डाल देती हूँ, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देख लीजिए, अच्छे से उबल रही है। और इधर मैंने इस साइड में मैंने दाल को भी उबलने के लिए रख दिया। तो ये देख लीजिए, उबल चुकी है, कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से पक चुकी है अंदर से। मैंने थोड़ी छोटी साइज की बनाई थी, और ये उबल के थोड़ी बड़ी हो गई है। तो पता फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पता है एक ना एक दिन तो मैं सक्सेस जरूर होंगी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स,
और यही मैं बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, उन लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जैसे भी वीडियो डाल देते हैं, उनके पास ऑडियंस होती है तो वो उनकी वीडियो देखती ही देखती है। और हम लोग हैं, कितनी भी अच्छी वीडियो डाल दें, छोटे छोटे यूट्यूबर है जो हमारे साथ के अभी, वो कितनी भी अच्छी वीडियो डाल दें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनका अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान जाने कब, किसका दिन कब आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो इसी यही सोच के बस मैं मेहनत में लगी पड़ी हूँ कि इतनी मेहनत की है, यहाँ तक आई हूँ, तो मैं पीछे नहीं हो सकती। अगर पीछे हो जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग, जिन लोगों से मैं बोलती थी कि यूट्यूब से बहुत कुछ हो सकता है, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो उन लोगों को मैं क्या बोलूँगी। इसलिए मैं नहीं कुछ कर सकती, पीछे भी नहीं हट सकती हूँ। तो ये देख लीजिए, बाटी हमारी निकाल के रख ली हमने और दाल हमारी उबल चुकी है। तो दाल को पहले छौंका लगा देंगे, नॉर्मल तरीके से मैंने छौंका लगाऊंगी, जैसे कि हम लहसुन प्याज मिर्ची और हींग जीरे से छौंका लगाती हूँ, बस वैसे ही लगा रही हूँ। तो फटाफट से टमाटर कट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से बस यही बात करनी थी और कुछ नहीं फ्रेंड्स। और अभी हो रहा है करीबन 8 बज रहे हैं और 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे रात के। तो मैं रात के टाइम में बाटी, दाल बाटी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, सुबह के टाइम टिफ़िन लेके जाती है हस्बैंड, तो नहीं टाइम भी नहीं मिल पाता, और वो दाल वगैरह पतली कोई सब्ज़ी टिफ़िन में जा भी नहीं पाती, जिससे कि टिफ़िन पूरा सब्ज़ी फैल जाती है टिफ़िन में। इसलिए मैं पतली कोई सब्ज़ी सुबह में नहीं बनाती हूँ। तो मसाला अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कटोरी में ले लिए हींग का पानी, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी हींग मिलती, तो मैं गांव से लेकर आई थी। और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हींग को अच्छी तरीके से पानी में घोल देते हैं, फिर हम ऐड कर देंगे हमारे मसाले में। और उसके बाद हम लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, वो भी ऐड कर देंगे और फिर देखते हैं कैसी हमारी सब्ज़ी बन के, मतलब दाल बन के रेडी होती है। पता है फ्रेंड्स, मैंने बहुत बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मतलब अपने बारे में नहीं, बहुत लोगों के बारे में सोच के रखा है कि अगर कुछ मेरा यूट्यूबर, मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से चल गया ना, तो मैं बहुत लोगों की हेल्प करना चाहूँगी। मुझे लगेगा कि हेल्प करने के लिए ये लोग, मतलब इनको हेल्प की ज़रूरत है सच में, तो मैं सब लोगों की हेल्प करूँगी। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा चैनल अच्छे से चल पड़ा तो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। बहुत सारे लोग, मैंने बड़े से बड़े यूट्यूबर देख लिए, कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, फिर भी वो कितना भी कमाते हो, लेकिन वो मैंने कभी भी ज़्यादा यूट्यूबर को नहीं देखा है कि वो सबकी हेल्प करे। लेकिन मुझे ऐसा मन करता है कि मैं सबकी हेल्प करूं, लेकिन अभी मेरे पास इतना कुछ नहीं है जिससे मैं कर पाऊँ। मेरा मन होता है लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, आप लोगों को पता है, सिर्फ मेरे हस्बैंड अकेले कमाते हैं, और जिससे कि मेरा, मैं रेंट के घर में रहती हूँ, तो रेंट के घर में बहुत ज़्यादा, मतलब सारी चीज़, अगर मैं एक छोटी सी चीज़ भी खरीदनी चाहूँ बाहर से, तो वो भी पैसा दे के खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ घर की नहीं मिलती है। और फिर आप पता फ्रेंड्स, मैं दिवाली के बाद गांव में शिफ्ट होने की सोच रही हूँ, मतलब गांव में नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मेरे, मतलब हमारे MP में, कहीं भी हमारे MP में, बहुत बड़े बड़े मतलब शहर हैं, तो बस वहाँ ही शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि या फिर हमारे गाँव से पास में ही एक शहर भी है, मतलब बाजार टाइप का है, तो वहाँ पे कोई खुद का दुकान खोल लेंगे, वहाँ पे अच्छा है। और घर का घर है, खुद का वहाँ घर का रेंट नहीं देना पड़ता, और गेहूँ भी खेत में होते हैं हमारे, गेहूँ बाजरा और जो सरसों होती है, सरसों भी हमारे खेत में होती है, तो हमको ज़्यादा वहाँ पे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे तो आराम से सब कुछ मैनेज हो जाएगा वहाँ पे हमारा। और टेंशन भी नहीं, क्योंकि घर वालों के साथ में रहते तो कोई टेंशन नहीं होती है, बस एक बात का टेंशन है कि कहीं भी हम अभी यहाँ पे रह रहे हैं ना दूर, तो अच्छी शांति से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गांव में रहते हैं ना, तो सब लोग अपने घर पे नहीं देखते, दूसरों के घर पे देखते कि इनके घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी बाटी सिक्के तंदूर में रेडी हो चुकी है, और ये बाटी का कुकर है जो कि मैं दिवाली पर लेकर आई थी पहले। तो कहते हैं ना कि दिवाली पे कोई भी चीज़ खरीदनी चाहिए, बर्तन, तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ खरीदती हूँ। तो ये देख लीजिए, बाटी हमारी अच्छे से पक रही है, और सलाद भी मैंने कट करके रख दिया। सलाद में हमारे टमाटर और प्याज है और खीरा, तो ये हमने कट करके रख दिया है, और बाटी हमारी पक के रेडी हो चुकी है। तो अभी आपको दिखा दें कितनी बढ़िया, एकदम अंदर से पक के रेडी हुई, ये देख लीजिए, है ना। अगर हम डायरेक्ट वैसे ही बनाते ना, डायरेक्ट से इस तंदूर पे ही मतलब बनाती, डायरेक्ट उसको उबालती नहीं, तो क्या होता है कि वो बहुत टाइट टाइटली रहती। मैंने एक बार बना के देखा तो ऐसी रहती थी, बहुत टाइट हो जाती थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो इस तरीके से मैं घी में डिप करूँगी,
ये देख लीजिए, अच्छे से इसमें घी भर जाएगा ना, जितना अच्छा घी अंदर तक भर जाएगा ना उतना ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें, ये देख लीजिए। तो पहले ये गर्म, इसलिए मैं हाथ से नहीं कर पा रही हूँ, दुपट्टे के सारे कपड़े के सारे इस तरीके से इसको थोड़ा फोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें घी डालती हूँ जिससे कि घी अंदर तक चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी कि बस कुछ पूछो मत, बहुत ज़्यादा अच्छी। आप लोग भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में, मतलब गाँव में नहीं रहते तो आप बाटी नहीं खा सकते हो, आजकल तो भाई हर चीज़ की जुगाड़ है। तो देख लीजिए, तो इसको फटाफट से घी डाल देती हूँ और फिर खाना परोस देती हूँ खाने के लिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, दाल को परोसती थी थाली में जिससे कि ये ठंडी हो जाएगी। तो फटाफट से खा लेते खाना, आज का ब्लॉग हमारा इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो फ्रेंड्स, आप लोग करते नहीं ऐसे चले जाते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।